जय साथियों, सबसे पहले स्वागत है आप सबको वीडियो पे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री पार्ट टू के एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी कैंडिडेट डिग्री पार्ट टू के एग्जाम देने वाले हैं तो वो अपने एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट जानकारी दे देता हूँ। पता है आप लोगों को कि आप लोगों के एग्जाम जो है वो 12 दिसंबर 2022 से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। इसको लेकर के एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे और कौन से पेपर का एग्जाम किस तिथि को है और साथ में आप लोगों के जो सेंटर पर है वो कहां पर है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। पूरा जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और डाउनलोड कार्ड कैसे करिएगा वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करिएगा और गूगल सर्च बार में टाइप करिएगा www.lnmuinfo.in। मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहा होगा, इस प्रकार से आप लोगों को टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही टाइप करके सर्च करेगा तो lnmuinfo.in के वेबसाइट इस प्रकार से ओपन हो जाएगा जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। डायरेक्ट इस साइट पे नहीं आ पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, लिंक पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे न्यू अपडेट आ चुका है, आप लोगों के जो मिथिला यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो भी अपडेट आता है ना वो यहाँ पे डाल दिया जाता है, ठीक है। आप लोग नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद कुछ जानकारी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। न्यू अपडेट में देख सकते हैं आप लोग कि LNMU या डाउनलोड LNMU पार्ट टू एग्जाम प्रोग्राम एंड सेंटर लिस्ट 2022 मिथिला विश्वविद्यालय ने जारी किया स्नातक द्वितीय खंड का परीक्षा कार्यक्रम, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो अगला इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है, यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम कब से होंगे इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को है ही कि 12 दिसंबर 2022 से है और मैं भी आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं ये यहाँ पे है, आप लोगों को इस बात की जानकारी पहले ही है। इसके बाद आप लोगों के जो है स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा हेतु परीक्षा प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ आप लोगों के जो परीक्षा प्रोग्राम है वो यहाँ पे दिया गया है, आपको ग्रुप वाइज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ग्रुप वाइज है और यहाँ पे आप लोगों को जो ग्रुप में है ऐप तक ग्रुप दिया गया है और आप अपने ऑनर्स सब्जेक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कौन ऑनर्स किस ग्रुप में है, ठीक है। 12 दिसंबर 2022 से आपके जो ऑनर्स पेपर है उनका एग्जाम शुरू होंगे और 17 दिसंबर 2022 तक ऑनर्स का एग्जाम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों के सब्सिडरी पेपर या लैंग्वेज पेपर का एग्जाम शुरू होंगे, तो लैंग्वेज पेपर का एग्जाम जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि 19 दिसंबर 2022 से शुरू होकर और 6 जनवरी 2023 तक चलेंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया, ठीक है। परीक्षा जो आप लोगों के सेंटर है एग्जामिनेशन सेंटर वो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। मैं आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताऊंगा, ठीक है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे बनाया गया है, इसके बाद जो समस्तीपुर बेगूसराय है वो सभी के लिए सेंटर बनाया गया है, ठीक है। आप लोगों को डाउनलोड कैसे करना है इस बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगर परीक्षा हेतु जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करना चाह रहे हैं पार्ट टू के लिए तो इस लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग अगर अपना एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट हैं, आप लोग यहां से डाउनलोड करिएगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा तो यहां पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, तो यहां पे आप कमेंट्स में देख सकते हैं। आप लोगों को परीक्षा प्रोग्राम समझना है कि किस तारीख को कौन से पेपर का किस कैंडिडेट का एग्ज़ाम है, वो यहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट जारी कर दिया गया है, तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।